नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के मैसेज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दोनों के चैट वायरल होने के बाद महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और पत्नी सोनी राजदान अब महेश भट्ट के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई है। पूजा भट्ट ने ट्विटर पर कहा कि उनके पापा महेश भट्ट और रिया के बीच हुए चैट के जिस मैसेज को विवादास्पद बताया जा रहा है, वही मैसेज मेरे पिता ने मुझे भी भेजे थे। मेरे अलावा उन्होंने और भी कितने लोगों को 9 जून को ये मैसेज भेजे थे। पूजा भट्ट ने ट्वीट में लिखा, चैनल जिस मैसेज को मोस्ट एक्सप्लोसिव बता रहे हैं, वो मैसेज मेरे पापा ने मुझे भी भेजा था और साथ ही और कई लोगों को 9 जून को मैसेज भेजा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये मैसेज ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। अपने फैक्ट्स को सही करें। इसके साथ ही पूजा भट्ट ने अपने चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें वही मैसेज लिखा है जो महेश भट्ट ने रिया को भेजा था। पूजा भट्ट के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने भी कहा कि ये मैसेज महेश ने उन्हें भी भेजा था। इसके साथ ही वो न्यूज चैनल्स पर भी भड़कती हुई नजर आई। सोनी राजदान ने अपने ट्वीट में लिखा, हाँ ये सही है, मेरा ये रहा। हमें ऐसे मैसेज हर दिन मिलते हैं, पता नहीं कब हमें असल न्यूज देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म मेकर महेश भट्ट के बीच हुए व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच हुई इस बातचीत से ये भी बात सामने आती है कि रिया के पिता सुशांत संग उनके रिश्ते से खुश नहीं थे और भट्ट ने उन्हें इससे दूर हो जाने की सलाह दी थी। लीक हुए चैट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक रिया भट्ट से कहती है, एक भारी मन और राहत के एहसास के साथ आयशा आगे बढ़ गई है सर। इसके बाद मैसेज में वो लिखती है, आपका आखिरी कॉल जगाने वाला था, आप मेरे एंजल है, आप उस वक्त भी मेरे साथ थे और अब भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।